आईसीसी T20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को कांटे की टक्कर देते हुए करारी हार दी। बता दें कि अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की घातक प्रदर्शन के सामने अफगानिस्तान की पूरी टीम ने महज 56 रनों में ही घुटने टेक दिया। बता दें कि अफगानिस्तान ने 11.5 ओवर में 56 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कागिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया, मार्को यानसन और तबरीज शामसी ने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को तार तार कर दिया। वहीं साउथ अफ्रीका ने 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर पहली बार किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई। 16 रन देकर 3 विकेट लेने वाले मार्को यानसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे साउथ अफ्रीका को पहला झटका क्विंटन डीकॉक के रूप में महज 5 रन के स्कोर पर लगा, लेकिन इसके बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। कप्तान एडन मार्करम ने आकर पारी को संभाला और रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। मार्करम ने 23 जबकि हेंड्रिक्स ने 29 रन की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलाकर पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचा। इस मैच को देखकर ऐसा लगा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अफगानिस्तान का गलत साबित हुआ। 30 रन बनने से पहले ही टीम के 6 विकेट गिर चुके थे और फिर कागिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया और मार्को यानसन ने बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। रहमानुल्लाह, गुरबाज, इब्राहिम, जादरान, अजमतुल्लाह, उबरचई, गुलाबदीन, नईब, नांगे, आलिया, खरोटे और मोहम्मद नबी सस्ते में आउट होकर लौटे। वहीं मार्को यानसन ने 3, रबाडा ने 2 और नॉर्किया ने 2 विकेट हासिल किया।